किन वक्तों के अंदर दुरूद सलाम भेज सकते हैं? तो वैसे तो कभी भी भेज सकते हैं, कभी भी भेजा जा सकता है, आप जब चाहें 24 घंटे के अंदर कभी भी भेज सकते हैं, कहीं से भी भेज सकते हैं। लेकिन कुछ अफजल तरीके जो हदीस इमाम को मिलते हैं वो ये है कि सबसे अफजल तरीका कि नमाज के अंदर भेजा जाए। नमाज के अंदर कब? कि आपकी जब नमाज ख़त्म होने वाली, आप बैठ गए आखिरी तशहुद के अंदर, तब आप अतहियात पढ़ेंगे, फिर आप दुरूद पढ़ेंगे। तो ये सबसे अफजल तरीका उसके अंदर है कि उसके अंदर सलाम फेरने से पहले भेज दिया जाए। तब अल्लाह के रसूल, वाकई कोई अगर दुरूद और सलाम भेजना चाहता है तो उसका तरीका क्या है? नमाज पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो उसके बाद में वो कहता है कि मैं भेजे जा रहा हूँ, तो जब तू फराइज पूरे नहीं कर रहा तो तेरी दूसरी इबादतें कबूल नहीं होती। तो सबसे अफजल तरीका ये है कि वो नमाज के अंदर से भेजा जाएगा। और इसी तरह जो है सही तिरमिजी की रिवायत है, हदीस नंबर 3476, कि एक शख्स आया और नमाज पढ़ी और दुआ मांगने लगा, नमाज सलाम फिरा और दुआ मांगने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाजी, कि तू नमाज पढ़ ले तो तू ऐसे ना कर, तू बैठा रहे और फिर क्या कर, अल्लाह की तारीफ बयान कर। वो सबसे अच्छी तारीफ क्या है? सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके अलावा तमाम जो कुरान के अंदर जो भी आयतें अल्लाह की तारीफ़ की, आप उसको पढ़ सकते हैं। और तारीफ कर और उसके बाद में मुझ पर दुरूद भेज और फिर अल्लाह से मांग। यानी दुआ मांगने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ की जाएगी, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद भेजा जाएगा, और फिर उसके बाद अपनी हाजत रखी जाएगी, उसके बाद फिर से क्या किया जाएगा कि उसके बाद फिर से वापस दुरूद भेजी जाएगी और फिर उसके बाद फिर से तारीफ अल्लाह की जाएगी। तो ये क्या होएगा? सैंडविच बन जाएगा, तो हमारी दुआ इसके बीच में हो जाएगी, तो फिर ये आपका काम हो जाएगा। यानी ऊपर से पहले तारीफ, फिर दुरूद, फिर हमारी हाजत, फिर उसके ऊपर दुरूद और फिर अल्लाह की हमद पे इसको ख़त्म करेंगे, तो ये हमारे लिए मुफीद होगा। दुआ मांगने का तरीका यही है। और इसी तरह जो एक शख्स फिर आया और नमाज़ पढ़ी और अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हैं, इसके बाद उन्होंने क्या किया कि तारीफ़ की और दुरूद भेजा और फिर दुआ मांगी, तो अल्लाह के रसूल ने कहा ये मुसल्ली, तो अल्लाह से मांग, जो तू मांगेगा तेरी दुआ कबूल की जाएगी। यानी ये तरीका, इससे हमको इसकी फजीलत मालूम पड़ती है। दुआ की कबूलियत के लिए क्या है कि दुरूद ज़रूरी है, बिना दुरूद भेजे दुआ की कबूलियत नहीं होती है। और इसमें अफजल दुरूद जो हम पढ़ सकते हैं वो क्या है? अज़ान के बाद। ये भी अफजल है कि अज़ान के बाद हम पढ़ें। ये जो है सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 384, कि तुम मौज़िन को कहो, लेकिन फरमाया मौज़िन को जब तुम सुनो तो तुम अज़ान के कलमात दोहराओ, पूरी कलमात को बताएगा इस तरह से कहना है, उसके बाद में तुम मेरे पर जो है दुरूद भेजो और अल्लाह फिर तुम पर 10 रहमतें नाजिल करेगा। तो इस पर भी ये मिलता है, लेकिन अज़ान के पहले दुरूद ये नहीं मिलता। अब जो भाई करते हैं तो हो सकता है उनके पास दलील हो तो करें, ना दलील हो तो ना करें, नहीं तो फिर अल्लाह ने फरमाया कि वो हम में से नहीं है। इसी तरह जो है अफजल दुरूद का पढ़ सकते हैं जुम्मे के दिन। जुम्मत के दिन कसरत से अल्लाह के रसूल वसल्लम पर दुरूद पढ़ना चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत है हदीस नंबर 1047, कि बेहतरीन दिन जुम्मे का दिन है, बेहतरीन दिन जुम्मे का दिन है। उस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उसी दिन उनकी वफ़ात हुई, यानी उसी दिन वो पैदा किए गए, उसी दिन वफ़ात हुई, और उसी दिन कयामत कायम होगी, और लोग उसी दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, यानी उसी दिन तुम मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो। इसी तरह जो है और कब भेज सकते हैं, तो और कब भेज सकते हैं, तो इब्ने माजा की रिवायत है हदीस नंबर 771, कि जब आदमी मस्जिद में दाखिल हो तो मस्जिद में दाखिल होने से दाखिल होए तो वहाँ पर भेज सकता है, निकले तो भेज सकता है, ये भी अफजल जगह। या फिर जो है जनाजा की दूसरी तकबीर के अंदर दुरूद, ये दुरूद इब्राहिम पढ़ी जा सकती है, वहाँ पर भेज सकता है। इस तरह मजलिस, जिस मजलिस के अंदर दुरूद शुरू करी मजलिस, तो अल्लाह के रसूल में दुरूद सलाम भेजना चाहिए। और अल्लाह के रसूल इसके ताल्लुक से तो फरमाते हैं कि जो मजलिस अगर लगी, ये सही तिर्मिजी की रिवायत है हदीस नंबर 3380, कि मजलिस लगी और अल्लाह की तारीफ़ ना हुई और दुरूद ना भेजा गया तो वो नाकाम है मजलिस। या फिर एक रिवायत में मिलता है कि ऐसे लोग क्या है कि गधे पे से उठे हुए, जो मरा हुआ सड़ा हुआ गधा, उस पर से उठे तो उसमें सलाम और दुरूद तारीफ़ और अल्लाह की जो भेजना चाहिए। और इसके अलावा जो है 10 बार सुबह 10 बार शाम को, ये भी फजीलत में आता है, और ये सही जो है तबरानी की रिवायत है, तो उसको इससे भी भेजा सकता है। इस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाक नाम सुनने या लिखते समय भी हमको दुरूद भेजना है, ये भी अफजल वक्त है। हमने कोई वाज नसीहत कर रहा है, उसमें बोल रहा है, पढ़ रहा है, तो हम उसके अंदर भी जब लिखें तो भी बोलना है, और लिखने के समय भी बोलना, हम कुछ लिख रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखना पड़ रहा है कि अल्लाह के रसूल फरमाया, तो वहाँ भी हम दुरूद पढ़ेंगे, चाहे लिखो आप उसके अंदर, मुख्तसर से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम भेजें तो वो कर सकते हैं, ये भी अफजल है।